नमस्कार, मैं हुशमानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक दिन और एक ही पाली में होगी बीपीएससी की परीक्षा, एक क्लिक पर मिलेगी पितृपक्ष मेले से जुड़ी सभी जानकारियां। इस्तीफे पर कार्तिक सिंह ने रखी अपनी बात। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में आई कमी, T20 किंग बने रोहित शर्मा, हांगकांग के खिलाफ मैच में हासिल किया नया मुकाम। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, एक दिन और एक ही पाली में होगी बीपीएससी की परीक्षा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए नीतीश तेजस्वी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को पूरा कर लिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पूर्व की तरह एक दिन एवं एक ही पाली में ली जाएगी। दरअसल आयोग द्वारा बीपीएससी की परीक्षा दो दिन और दो पालियों में कराए जाने की बात कही गई थी, जिस पर आपत्ति जताते हुए अभ्यर्थियों ने इसे पूर्व की भांति एक ही पाली में आयोजित करने की अपील की। लेकिन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की मांग पर संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद से ही बीपीएससी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। छात्रों में आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बैठक बुलाई और बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के साथ इस बैठक में यह फैसला किया गया है कि पूर्व की तरह ही एक दिन एवं एक ही पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। गलवान में बॉयलर फटने से बिहार के आर्मी जवान शहीद। लद्दाख के गलवान घाटी में तैनात बांका जिला अंतर्गत रजौन थाना क्षेत्र के एक आर्मी जवान शहीद हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 21 अगस्त को गलवान घाटी में बॉयलर फटने से सुधांशु कुमार उर्फ राहुल गंभीर रूप से जलकर जख्मी हो गए थे। इसके बाद चंडीगढ़ में आनन फानन में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहाँ करीब 10 दिन से लगातार इलाज चल रहा था। इसके बाद इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। सुधांशु वर्ष 2020 में ही आर्मी जवान के लिए चयनित हुए थे। उधर जवान के शहीद होने की खबर परिजनों को मिलते ही गांव सहित आसपास में कोहराम मच गया। घर परिवार सहित आसपास के क्षेत्रों में मातमी सन्नाटा पसर गया। शहीद जवान के दादा सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जवान के घर पर परिजनों को ढाढ़स बंधाने एवं गांव सहित आसपास से काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी सरकार बुलडोजर अभियान चला रही है। बिहार सरकार कभी अतिक्रमण तो कभी शराब माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का खूब इस्तेमाल कर रही है। इसी कड़ी में बीते दिन बिहार में करोड़ों की जब्त शराब पर बुलडोजर से वार किया गया और गोपालगंज के सबैया हवाई अड्डा पर हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को जेसीबी का इस्तेमाल कर नष्ट किया गया। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत जेसीबी चलवाई गई। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 9100 से ज्यादा देशी और विदेशी शराब को जेसीबी चलाकर इसे नष्ट किया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवा कर जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। इस्तीफे पर कार्तिक सिंह ने रखी अपनी बात। बीते दिन महागठबंधन सरकार के कानून मंत्री कार्तिक सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आज भी यानी गुरुवार को इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत में अपने इस्तीफे की वजह भी बताई। आज प्रेस वार्ता में कार्तिक सिंह मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी को उनका भूमिहार होकर आरजेडी कोटे से मंत्री बनना नहीं लगा, इसलिए बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल करवाया। कार्तिक ने कहा कि वह अच्छे परिवार से हैं, उनके पिता शिक्षक रहे हैं, वे खुद भी 27 सालों तक सरकारी स्कूल में शिक्षक रहे। उनके खिलाफ 2015 से पहले कोई आपराधिक मामला नहीं था। 2015 में जो अपहरण का मामला दर्ज हुआ उससे भी उनका कोई लेना देना नहीं है। वही अनंत सिंह के रिश्ते पर सफाई देते हुए कार्तिक सिंह ने कहा कि अनंत सिंह उनके क्षेत्र के विधायक रहे, इसलिए उनसे राजनीतिक संबंध बने हैं, इसे लोग गलत रूप में दिखा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में आई कमी। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट जारी करती हैं। वहीं आज सितंबर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों ने रसोई गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि कमर्शियल गैस के दामों में कमी की गई है। राज्य में 19 किलोग्राम व्यवसायी की गैस सिलेंडर पहले 2250 रुपये में मिलती थी। नई दर के मुताबिक घरेलू सिलेंडर अब 2150 रुपये यानी कि 100 रुपये कम में मिलेंगी। तेल कंपनियों द्वारा की गई कमी आज सुबह 6 बजे से प्रभावी हो गया है। वहीं 14.2 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत यथावत बनी हुई है। घरेलू गैस सिलेंडर की पटना में कीमत 1191 रुपये है। करीब 8 लाख विद्यार्थियों का राशि भुगतान रुका। बिहार में अलग अलग प्रकार के लाभों का आधारित योजनाओं से जुड़े करीब 7,88,000 विद्यार्थियों का भुगतान रुक गया है। दरअसल इन योजनाओं के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि के लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जो आंकड़े अपलोड किए गए थे उसमें विसंगतियां पाई गई है, जिसकी वजह से इन विद्यार्थियों का भुगतान नहीं हो सका है। इसे माध्यमिक शिक्षा निदेशक बड़ी गलती करार दिया है। हालांकि बच्चों के हित में सभी जिला शिक्षा और संबंधित पदाधिकारियों से कहा गया है कि इन आंकड़ों
आंकड़ों को 5 सितंबर तक दुरुस्त कर दिया जाए। आपको बताते चले कि 26 अगस्त से पहले राज्य भर में 1,93,00,000 लाभुकों के खाते में पैसे डाले गए। इनमें करीब 4% भुगतान गलतियों की वजह से खारिज कर दिए गए हैं। इन जिलों में वज्रपात के साथ बारिश की प्रबल संभावना। बिहार में पिछले 2 दिनों से एक बार फिर से मौसम ने करवटें ली हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के करीब 12 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से राज्य के 6 जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश होगी, वहीं कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। इन जिलों में बिहार के जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिला शामिल है। यहाँ पे अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं बिहार के 4 जिलों में वज्रपात गिरने से 7 लोगों की जान भी चली गई है। वज्रपात से गया में 3, रोहतास में 2, औरंगाबाद व कैमूर में एक एक व्यक्ति की जान चली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन 7 लोगों की मौत पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने सभी मृतक के परिजनों को तत्काल 4,00,000 रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। भाजपा का तर्ज, नीतीश कुमार पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए। महागठबंधन के सरकार में कानून मंत्री बनने के साथ ही विवादों में घिरे कार्तिक सिंह से कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी ले ली गई है और उन्हें गन्ना मंत्रालय सौंप दिया गया। हालांकि इन सब के बीच बुधवार की देर शाम कार्तिक सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कार्तिक सिंह के इस्तीफे के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता ने नई सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कार्तिक सिंह को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पहले ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए हैं। अभी जो कार्तिक कुमार का पहला विकेट गिरा है, अभी और कई विकेट गिरेंगे। उक्त बातें सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक क्लिक पर मिलेगी पितृपक्ष मेले से जुड़ी सभी जानकारियां। आगामी 9 सितंबर से विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला का शुभारंभ होने जा रहा है। इस बार तीर्थयात्रियों की संभावित भारी भीड़ का आकलन करते हुए बिहार सरकार ने इसके लिए पूरी व्यवस्था की है। इसके लिए गया पहुंचने वाले पिंडदानियों और तीर्थयात्रियों के लिए हर जरूरी सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में मगध प्रमंडल के आयुक्त के द्वारा पितृपक्ष मेला के अवसर पर तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु IVRS जिसका नंबर 9266628168 मोबाइल ऐप पिंडदान गया तथा वेबसाइट www.pindangaya.bihar.gov.in का लोकार्पण किया गया है। यहां पर एक क्लिक में आपको पितृपक्ष मेला से जुड़ी हुई सभी जानकारियां मिल जाएंगी। कार्तिक सिंह को भूमिहार होने की मिली सजा। राजद विधायक कार्तिक सिंह राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके द्वारा मंत्री पद से इस्तीफे से पहले भी विपक्ष महागठबंधन सरकार को घेरे हुए थी। विपक्ष का कहना था कि कार्तिक सिंह पर अपहरण के मामले में केस दर्ज है, ऐसे में एक दागी कानून मंत्री के काबिल नहीं है। वहीं जब कार्तिक सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, इसके बाद विपक्ष सरकार को ये कहकर घेर रही है कि कार्तिक सिंह भूमिहार थे इसलिए उनका विकेट गिरा दिया गया। जबकि नीतीश मंत्रिमंडल में कई अन्य दागी मंत्री हैं लेकिन वे अन्य जाति के हैं, इसके लिए उन पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल भाजपा नेता और पूर्व मंत्री जुवेश कुमार ने गुरुवार को कहा कि एक रात पहले कार्तिक सिंह का विभाग बदला जाता है, अगले शाम होते होते उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। एक मंत्री को एक जाति विशेष का होने के कारण इस्तीफा ले लिया जाता है। IIT में बढ़ी कुल 366 सीटें। इंजीनियर की पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि देश भर में 23 IIT कॉलेजों में 366 सीटें बढ़ा दी गई हैं। इसके बाद अब इस साल IIT में कुल बढ़ी सीट के साथ ही 16,598 सीटों पर नामांकन होगा। इससे जुड़ी विशेष जानकारी IIT NIT की ज्वाइंट काउंसिलिंग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इसी तरह IIIT की 980 तथा GFTI में 681 सीटें बढ़ी हैं। इस प्रकार वर्ष 2024 सीटें बढ़ी हैं, जिनमें 1490 जेंडर न्यूट्रल पूल और 534 सीटें सुपर न्यूमेररी और 534 सीटें सुपर न्यूमेररी फीमेल पूल से हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी इंजीनियर का क्रेज युवाओं के सर चढ़कर बोलता है। 2017 में नवभारत टाइम्स में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक गया जिले के एक गाँव में सिर्फ 300 के आसपास IIT इंजीनियर मिले थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में युवाओं के बीच इंजीनियरिंग का कितना क्रेज है। KCR से मुलाकात पर लालू यादव ने कहा, 2024 में रोकेंगे भाजपा का रथ। बीते दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व उप मुख्यमंत्री लालू यादव से मुलाकात की। जहां KCR बीते दिन शाम को राबड़ी आवास पहुंचे, वहां लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उनका पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुलाकात के दौरान लालू यादव ने कहा कि 2024 में सब मिलकर भाजपा का रथ रोकेंगे। इसमें
में केसीआर की भूमिका बेहद अहम होगी। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन का जो प्रयोग किया गया है वह आने वाले समय में व्यापक स्वरूप लेगा। विपक्ष की बढ़ती ताकत से भाजपा में बेचैनी है, बिहार की नरेंद्र मोदी के अभियान पर रोक लगाएगा। केसीआर ने नीतीश को पीएम कैंडिडेट मानने से किया इनकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना सीएम केसीआर के बीते दिन हुई मुलाकात के बाद बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम कैंडिडेट के सवाल पर नीतीश कुमार खड़े होकर जाने लगे, लेकिन केसीआर वहीं जमे रहे और उन्हें भी बैठने के लिए कहते रहे। बीजेपी ने इसे नीतीश कुमार का अपमान बताया है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आज कहा कि नीतीश कुमार ने केसीआर को प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पर मुहर लगवाने के लिए बुलाया था, मगर केसीआर ने उनका नाम तक नहीं लिया, इससे ज्यादा अपमान क्या होगा। सुशील मोदी ने कहा कि केसीआर से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद नीतीश उठकर जाने लगे। केसीआर ने उन्हें कई बार बैठाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। T20 किंग बने रोहित शर्मा, हांगकांग के खिलाफ मैच में हासिल किया नया मुकाम। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने दुबई में खेले जा रहे एशिया कप 2022 में हांगकांग के खिलाफ मुकाबले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। बुधवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने अपने दूसरे और अंतिम ग्रुप मैच के शुरू होने से पहले रोहित के 3499 रन थे। न्यूजीलैंड के मार्टिन गपटिल इस मामले में दूसरे नंबर पर है। उनके नाम T20 क्रिकेट में 3497 रन है। 3402 रनों के साथ विराट कोहली लिस्ट में तीसरे पायदान पर है, यानी भारतीय कप्तान क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गया है। देश भर में आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी गुरुवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,946 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 133 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 41 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 92,549 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 126 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नीरज कुमार, आशीष कुमार, अभिनेश कुमार, अशोक चौधरी, प्रदीप कुमार, लक्ष्मी मेहता, सलीम भाई, रामशंकर सिंह, आरती कुमारी, चंद्रेश्वर प्रसाद और मिथुन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सूर्य कुमार यादव के हालिया फॉर्म को देखते हुए आपको क्या लगता है, आने वाले समय में वो दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन पाएंगे या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।